हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज अपने साथ है टीवीएस की स्पोर्ट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल बाइक है, बहुत ही बेहतरीन इसका एवरेज है, आप सब जानते हैं। बहुत ही प्यारी ये बाइक है और बहुत ही कम रेट में आती है ये बाइक। और सबसे, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर बाइक में, तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बाइक है ये टीवीएस की स्पोर्ट। और अब फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो टीवीएस वालों ने इसमें रखे हैं कुछ ऑफर। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या ऑफर देखने को मिलने वाला है। वैसे ही बहुत सस्ती बाइक है और इसमें टीवीएस वाले इस पे ऑफर ला चुके हैं। इस कलर थीम पे आपको ऑफर देखने को मिलने वाला है और बाकी बताएंगे इसमें आपको क्या क्या और देखने को मिलता है और सारी चीजें आपको बताएंगे, डिटेल में इसका रिव्यू देंगे। सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में आपको हेलोजन देखने को मिल जाता है हेडलैम्प इसका, और इंडिकेटर्स भी आपको अभी इसमें आप हेलोजन में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई अपडेट इसमें नहीं आया है कि इसका जो सेटअप है वो अभी आपको हेलोजन में देखने को मिलेगा, बट जो इसका कलर है ब्लैक एंड ग्रे एंड ब्लू कलर में, तो काफी अच्छा इसका कलर कॉम्बिनेशन है। और अगर इसे इसके स्टिकर्स देखें आप गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छे से देखने में लग रहे हैं इसके स्टिकर्स। और जो ऑफर आया है इस पे, वो बहुत ही अच्छा ऑफर आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिवाली ऑफर है जो इसका, वो मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या ऑफर इस पे देखने को मिलने वाला है। और इसके सस्पेंशन आप देख सकते हैं, इसमें आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है। और अगर टायर प्रोफाइल देखें, तो इसमें आपको जो फ्रंट टायर है, इसमें आपको 75-17 इंच का आप उसमें टायर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो फ्रंट टायर जो है वो 75 mm का आपको देखने को मिलता है, तो काफी स्लिम टायर है, तो इससे और अच्छा इसका एवरेज रहने वाला है। और आप देख सकते हैं, अगर रिम की बात करें, तो रिम आपको इसमें मैट ब्लैक देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर इसके इंजन की बात करें, तो इसमें आपको जो इंजन देखने को मिलता है, इसमें आपको 109.7 cc का एयर कूल्ड FI इंजन, 2-valve इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करके देता है आपको 8.18 hp की आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है। टॉर्क की अगर बात करें, तो इसमें आपको 8.7 nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जो इसका इंजन है वो काफी अच्छा टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करता है, और माइलेज आप जानते हैं बहुत ही गजब का ये एवरेज निकाल के देती है बाइक। और अगर इसके ग्राउंड क्लीयरेंस को देखें, तो इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलती है, जो वो आपको देखने को मिलती है 175 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलने वाली है, जिससे आप अगर राइड करेंगे तो किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी देखने को मिल रही है, और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं सेल्फ भी देखने को मिल रहा है। और अभी स्टार्ट करके बताएंगे आपको कि इसका साउंड कैसा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट, तो मैट कलर का आपको इसमें एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, वो भी काफी अच्छा देखने में लग रहा है एग्जॉस्ट। और जो फुटरेस है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के रबर के, काफी अच्छी क्वालिटी के फुटरेस आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें। तो अगर साइड से देखें, तो साइड से भी काफी सही लग रही है बाइक देखने में, कलर काफी अच्छा है बाइक का। और रियर की अगर बात करें, तो रियर में भी आपको जो रियर सेक्शन है, वहां भी आपको टेल लाइट आपको ये देखने को मिल जाती है हैलोजन में। इसमें पूरा सेटअप आपको हैलोजन का देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर्स भी, और जिसका टेल सेक्शन है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं। और रियर में आपको ड्रम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। रियर में आपको 80 सेक्शन का कुछ में टायर देखने को मिल जाता है, और जो इसका एला है वो आपको 17 इंच का आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन है इसके, वो आपको डुअल स्विंग ऑफ जॉबर आपको देखने को मिल जाता है, तो डुअल वाले इसमें आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कम्यूटर बाइक में ज्यादातर आते हैं, और ये बहुत ही रिलायबल होते हैं और काफी अच्छा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। गैदल आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको गैदल भी काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट इंक्लूड आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। और जो उसकी सीट है वो आपको सिंगल देखने को मिलने वाली है, तो सीट काफी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। और इसमें आपको 4-speed मैनुअल गियरबॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसके टैंक की अगर बात करें, तो इसमें आपको 10 liter का टैंक देखने को मिलने वाला है, और इसका एवरेज वो बहुत ही अच्छा है, इसका एवरेज आपको 80 kmpl का ही एवरेज निकाल के देने वाली है। और जिसका वेट है वो 112 kg का होने वाला है, तो काफी लाइट बाइक होने वाली है। और अगर इसके सीट की बात करें, सीट हाइट की, तो आपको जो सीट हाइट देखने को मिलने वाली है वो 790 mm की आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिलने वाली है, तो सीट हाइट भी काफी सही आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर बात करें इसके हैंडल बार की, तो इसमें आपको पाइप वाला हैंडल बार देखने को मिलने वाला है। और इसके स्विच है वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, वो आपको टीवीएस अपाचे वाले आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है स्विच की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ, और यहाँ पे सारे कंट्रोल के स्विच आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कक्षा की बात करें, वो आपको, आप देख सकते हैं इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कक्षा देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको एनालॉग वाला इंस्ट्रूमेंट कक्षा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड, ये आपका ओडोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल इंडिकेटर, आपको यहाँ पे इंजन लाइट, पावर लाइट, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ये लो बीम, हाई बीम, और साइड स्टैंड का भी आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए गाइस, साइड स्टैंड का लाइट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ आपको इसमें डिटेल देखने को मिलने वाली है।
और मिरर देख सकते हैं आप, मिरर भी काफी अच्छी क्वालिटी के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और गाइस अगर क्लच की बात करें तो क्लच भी काफी सॉफ्ट है इसका, काफी सॉफ्ट लग रहा है मुझे क्लच देखने में। अब इसका सुनाते हैं आपको साउंड कि ये बाइक साउंड कैसे करती है, और उसके बाद आपको बताते हैं इसका प्राइस कि क्या इसका प्राइस रहने वाला है और क्या इस पे ऑफर कंपनी दे रही है। बाइक स्टार्ट हो चुकी है, आप सुन सकते हैं काफी स्मूथ काफी रिफाइंड साउंड आ रहा है और काफी अच्छा साउंड लग रहा है देखने में, काफी अच्छा साउंड लग रहा है सुनने में। आप सुन सकते हैं गाइस ये भी आइडियल पे है बाइक और साउंड कितना अच्छा आ रहा है इसका, सुनिए गाइस। और अभी रेस्ट करके आपको सुनाते हैं। तो गाइस आपने साउंड सुना, काफी रिफाइंड साउंड है, इंजन काफी रिफाइंड है इस बाइक का और काफी स्मूथ साउंड आ रहा है। और अगर की की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें की जो आपको मिलने वाली वो नॉर्मल वाली की आपको देखने को मिल जाएगी इसमें, जो ज्यादातर बाइकों में आती है। बाकी टीवीएस अपनी जो हाई रेंज की बाइकें हैं, हाई सीसी की बाइकें, उसमें आपको वेब की देखने को मिलती है, इसमें आपको नॉर्मल की देखने को मिल जाएगी। और बाकी इस बाइक पे जो ऑफर है उसकी अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ऑफर देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको दिवाली का फेस्टिव स्पेशल ऑफर इसमें देखने को मिलने वाला है। ये आपको पड़ने वाली है 500 की, आपको ये एक्स शोरूम पड़ने वाली है, तो इतनी सस्ती बाइक आपको ये पड़ जाएगी 6500 की ऑफर के साथ, ये आपको पड़ने वाली है। और अभी ये दिवाली के लिए ऑफर है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा क्लासिक टीवीएस जो पड़ता है आईएम रोड पे, आईएम चौराहे पे, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं इस बाइक को। और बहुत सारी बाइकें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, और इस बाइक के और भी कलर हैं यहाँ पे अवेलेबल है, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, तो बहुत सारे कलर्स इस बाइक के भी अवेलेबल है, आप आके देख सकते हैं। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप सिटी में राइड करना चाहते हैं, अपनी जॉब के लिए बाइक लेना चाहते हैं, डेली टास्किंग के लिए अगर आप बाइक लेना चाहते हैं, तो बाइक काफी अच्छा है, ये एवरेज बहुत अच्छा है इसका, इस 80 का एवरेज निकाल के दे देती है। और बाइक के बारे में जो कुछ था मैंने डिटेल में बता दिया आपको, और ऑफर जो है वो बहुत अच्छा है, और दिवाली तक का ये ऑफर है, आप ले सकते हैं आके इस बाइक को। और वीडियो को यहीं से करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अपने भाई को चैनल को, और इंस्टाग्राम पे आप जाकर जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ, बाय।